हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो यहाँ पे सुबह का रूटीन मेरा हो गया था, बच्चों को नहला रही थी तो उनके कपड़े निकाल रही थी, तो मैंने कहा चलो सारे कपड़े मैं तह मार के रख देती हूँ क्योंकि पैकिंग शुरू हो गई है, कल जाना है। जैसे पता ही है आप लोगों को, तो ये भाभी टी शर्ट लाई थी, हन्नू की टी शर्ट, और एक वहाँ होगी ना, तो यहाँ पर ये पता नहीं मुझे कुछ दे रहा था खाने के लिए। तो यहाँ पर पैकिंग शुरू हो गई है। पैकिंग तो क्या था, इस बार कपड़े दो दो ही ड्रेस लाई थी मैं, क्योंकि हमें 4 दिन तो रहना था, 2-3 दिन रहना था, मतलब एक दिन आए, 3 दिन रहना था, 5वें दिन जाना था, तो इसलिए दो दो ही ड्रेस लाई थी कि नहा के जैसे चेंज करना हो, तो इसलिए। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो सारे कपड़े तह लगा के वो संभाल देती हूँ, फिर इसके बाद ये छोटा भाई आया, ये भी मंदिर से आया अभी, तो ये डेली काशी विश्वनाथ मंदिर जाता है जल चढ़ाने के लिए। और तो बस यही है, तो बस यही होता है बेटियों का, तो बैग अनपैक होता ही नहीं। ये बैग वो एक है ना कि ये बैग ही मेरा मुझे चिढ़ाता है कि मैं यहाँ कुछ दिन की मेहमान हूँ, तो वही बात है, बुरा भी लगता है। बट ये है कि इतनी खुश नसीब हूँ कि मतलब राखी में अपने भाई के पास आ गई, तो यही काफ़ी है मेरे लिए कि मैं अपने भाइयों के पास आ गई राखी में, है ना। तो बस यही है, यहाँ पर पैकिंग कर रही हूँ। और बच्चे अभी मतलब कर रहे हैं अपना रूटीन, कर रहे हैं, आरब जा रखा है, फिर इसके बाद हन्नू जाएगा, तो दोनों को नहला दूँगी क्योंकि कल फिर जाना है, तो कल नहाना धोना तो होगा नहीं, सुबह निकलते हैं ना। तो वैसे ना मैं तो नहा ही लेती हूँ, बट बच्चों को फिर ये लगता है कि हवा ना लग जाए, क्योंकि रास्ता में थोड़ा ठंडा वगैरह हो ही जाता है, कहीं पे ठंड होती है, कहीं पे गर्म होती है। तो बस इसके बाद मैं आ गई थी, मैंने कहा चलो ब्रश वगैरह मैं भी कर लेती हूँ, बच्चों को मैंने नहला दिया था, कपड़े वगैरह सब पहना दिए थे, तो मैंने कहा चलो ब्रश करती हूँ, उसके बाद मैं भी अपना नहाने का प्रोग्राम करती हूँ। और ये पीछे का साइड है हमारा ना, तो यहाँ पे टॉवल वगैरह सब के टंगे ही रहते हैं, तो इसके बाद मैं नहा के आ गई थी। मैंने थोड़ा पूजा कर लेती हूँ क्योंकि अपने मायके के देवी देवताओं को भी याद करना ज़रूरी है, तो पूजा मैं कर ही लेती हूँ यहाँ पे। मतलब दिया तो जल ही रहा था, बस थोड़ा सा ये है कि हाथ वगैरह जोड़ दिया, आरती वगैरह पढ़ ली, बस तो यही है। और तो यहाँ पर पूजा कर रही हूँ, और कपड़े भी मैंने धुल दिए थे क्योंकि हाथ से ही धुले मैंने, क्योंकि टी शर्ट वगैरह थी, लोअर वगैरह मैंने धुले नहीं इनके, मैंने कहा जीन्स भी नहीं धुली मैंने इनकी, मैंने कहा रखी है मैंने, मैंने कहा अब नीचे जाके धुलनी है क्योंकि धुलनी पड़ती है, वो गाड़ी की ना बदबू आती है। तो बस यहाँ पे अपने देवी देवताओं को याद कर रही हूँ, थोड़ा होता ही है ना। और पूजा मैं रोज़ करती, ऐसा नहीं कि मायके आई हूँ तो पूजा नहीं करती, तो पूजा मैं करती हूँ, सूर्य भगवान को जल भी देती हूँ, तो पूजा मेरी हो गई है। और इसके बाद जल चढ़ाऊँगी, और जल चढ़ाने के बाद मैं आ गई थी अंदर क्योंकि पानी वगैरह हो ही जाता है, तो मैंने कहा चलो पोछे से सुखा लेती हूँ। तो यहाँ पे फिर मेरे को ध्यान आया कि कपड़े भी सूख गए हैं, मशीन में ड्रायर कर लिए थे मैंने, तो यहाँ पे मैं मशीन में आ गई थी, और इसके बाद मैं चली जाऊँगी मतलब ऊपर कपड़े फैलाने। ये फिर नाश्ता वगैरह करने के बाद का टाइम है, भाभी में जा रहे थे मार्केट। अच्छा, आप सोचते होंगे कि भाभी तो भाभी और मैं ही, मतलब हमारी जोड़ी है ही ना, तो क्योंकि छोटी वाली की ये है कि छोटी है बेटी ना, तो वो उसे छोड़ के नहीं जा सकते, तो भाभी मैं ही ज़्यादा अधिकतर मतलब इधर उधर जाते हैं। वैसे मम्मी के साथ भी जाती हूँ मैं, पर मम्मी कल गई थी ना तो थक गई थी, तो इसलिए भाभी और मैं जा रहे थे। और यहाँ पर भाई मेरा भी आ गया था, तो मैंने उसे कहा स्कूटी की चाबी दे दे, क्योंकि अगर स्कूटी से चल जाओ तो जल्दी काम हो जाता है, नहीं तो पैदल जाओ, पैदल आओ तो फिर टाइम लग ही जाता है। तो यहाँ पे मैं स्कूटी वो करी थी, और यहाँ ना पहाड़ों में चलाने में थोड़ा वैसा भी लगता है, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ों में चलाने में मतलब ऊंचा नीचा जैसे रहता है ना, तो पर यही है, चला ही लेती। पहले भाई देते नहीं थे, लेकिन अब दे ही देते हैं अपनी स्कूटी। तो खैर हम मार्केट से आ गए हैं, और जल्दी आ गए थे क्योंकि स्कूटी में गए थे तो जल्दी आ गए थे। मेरे साथ बैठी है हमारी गुड़िया रानी, देखो ये थी, हाय कर दो, हाय। तो स्कूटी पे गए थे, जल्दी
जल्दी आ गए थे और बस ऐसे ही ना आ रख ले ना एक ताबी जो नाम था उसकी राशि का, नियति को देख लिया तो वो बनवाने दिया था हमने। और थोड़ा ये यहाँ विश्वास है मतलब ना इसलिए होता है, तो वो बनवाने गए थे ताबीज को, कब से बोला हुआ था पंडित जी ने तो बनवाया ही था, तो बनवाने गए थे और आज से ये हमारे पास आने मेरे पास आने लगी है और कल हम चले जाएंगे। तो बस ऐसे ही होता है, बड़ी मुश्किल से तो ये हम पे आने लगती है, दो तीन दिन लग जाते हैं। नहीं करो बेटा, हाँ पापा लोगों ने ये लग रहा है इसी के कारण, ये लग रहा है और एक जाली ये लग रहा है, टाइट है ये वहाँ पे, तो ये गेट लगा है क्योंकि ये छोटी है ना, तो ये ऐसे जाती होगी नीचे, नहीं आप नहीं कर पाओगे ना, बड़े करते हैं उसे, तो ये गेट लगवाया नया दवाई, हाँ हमने ले दवाई दी, रख के आओ जाओ जाओ अपनी दवाई रख के आओ। नियति हेलो बोल दो, हेलो हाय कर दो, हाय हाय हाँ बाय कर दो, चलो बाय करो, बाय बाय बोलो कल मिलेंगे, अच्छा बोलो कल मिलेंगे। ड्रेस पिछले रक्षाबंधन में लाई थी, इस साल फिट आएगी, इसमें पिछले रक्षाबंधन में लाई थी, इस साल फिट आएगी। और हाँ एक ये भी लाए शूज रैक ना, तो यहाँ पे बैठने के लिए, मतलब शूज रैक शूज रखने के लिए लाए रैक। हाँ गिरना नहीं बच्चा, गिरी गिरी मत करना। ये थी आओ कहाँ जा रहे आप? सूप रेडी है, अब शाम का टाइम है, फिर हमने खाना पीना खाया, दिन में रेस्ट किया, फिर थोड़ी देर नीचे बैठे थे, फिर ऊपर आ गए और जैसा आप देख रहे होंगे कि मेरी नानी जी आई हैं। तो हाँ मैंने, तो जैसा आप लोगों को पता ही है कि मेरा मामा कोट ना पास में ही है, तो मैंने मामा जी के लड़के से कह दिया था कि नानी को बोलना मैं जा रही हूँ, तो फिर नानी, वैसे हमेशा बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, नानी जी आ ही जाती हैं। तो बस यहाँ पर मैं, हम सब बैठे हैं और वो ठंडी हवा खा रहे हैं छत पे, और ये दिन याद रहते हैं ना, मतलब लगता है कि बस ये दिन दोबारा लौट के आ जाएं। और बच्चे भी खेल रहे हैं छत पे, सभी हम छत पे आ गए थे, भाभी नीचे ही थी, भाभी कर रही थी कुछ काम अपना, भाभी का काम ही रहता है, तो बस वही है, भाभी काम कर रही थी। और ये छोटी वाली भाभी तो खैर ये है कि ये रहती ही नहीं है ना, माँ माँ मम्मा 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 बोलती रहती है, बच्चे होते ही छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे भले थोड़ी देर खेलेंगे फिर उन्हें अपनी माँ की ही याद आती है। तो बस इसी तरह हमारा मायके में दिन बीत रहा है, और कल जाना है अपने ससुराल, तो कल वहाँ बीतेगा दिन। तो चलो इसी के साथ अपनी वीडियो का भी एंड करती हूँ, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।